हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अपडेट वन पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में जिसकी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी एकदम ही डिफरेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ द वॉन वेब सीरीज़ के बारे में। द वॉन वेब सीरीज़ ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, इसे रिलीज़ की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ की गई है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत अब इस वेब सीरीज़ के बारे में। वेब सीरीज़ की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज़ की स्टोरी एक्चुअली बेस्ड है साइंस फिक्शन थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है द वॉन कंपनी से, जिस कंपनी का एक ही काम है कि आपके लिए किसी भी तरह से सोलमेट को खोज के निकालना, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को खोज के निकालना या फिर एक ऐसी लड़की को खोज के निकालना जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे और आपके रिलेशनशिप में कभी कोई अड़चन ना आए, यही काम करती है द वॉन कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे काम तो हमारे मैट्रिमोनियल साइट भी कर देते हैं और हम तो खुद ही उस्ताद हैं ये सब काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक में दिन रात पड़े रहना, इंस्टाग्राम में दिन रात पड़े रहना, और भी बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों अपने सोलमेट को खोजने के। लेकिन इस सिचुएशन में सोलमेट को खोजने का तरीका थोड़ा अलग है। वेब सीरीज में बहुत सारे बायोलॉजिकल लोचे किए गए हैं जो कि मेरे दिमाग के बाहर हैं, लेकिन ओवरऑल इस वेब सीरीज में जिस तरह से इस कहानी को प्रेजेंट की गई है वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों। आप इस वेब सीरीज के प्रेजेंटेशन को रियल मानना शुरू कर देंगे, भले ही ये एकदम ही रियल नहीं है, पूरी की पूरी एक काल्पनिक घटना है, लेकिन इस वेब सीरीज को जिस तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है आपको ऐसा लगेगा कि मे बी ऐसा हो भी सकता है कि एक कंप्यूटर हमारे लिए एक सोलमेट खोज के निकाल सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल इस वेब सीरीज के कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी तो एकदम ही डिफरेंट है, लेकिन इस वेब सीरीज में दो चार एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा बकवास लगने वाले हैं। वेब सीरीज के दो चार एपिसोड आपको थोड़े बोर भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस वेब सीरीज की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी बनाई गई है। लेकिन दोस्तों सीजन वन की स्टोरी इनकम्प्लीट ही रख दी गई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिस्टीरियस रख दी गई हैं और उन सभी मिस्टीरियस चीज़ों को सीजन टू में रिवील करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए सीजन वन देखने के बाद आप सीजन टू का इंतजार बेसब्री से करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं इस वेब सीरीज के बारे में बात करूँ तो ये वेब सीरीज मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगी, लेकिन उतनी भी खास नहीं लगी। और अगर मैं इस वेब सीरीज को रेटिंग दूँ तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.4 स्टार, क्योंकि ये वेब सीरीज की स्टोरी लाइन थोड़ी डिफरेंट तो है ही, लेकिन ये वेब सीरीज आपको उतना ज़्यादा भी इंटरटेन नहीं करेगी जितना कि नेटफ्लिक्स के अदर वेब सीरीज करती हैं। तो दोस्तों ओवरऑल वेब सीरीज थोड़ी बहुत बोरिंग है और थोड़ी बहुत इंटरटेनिंग भी है, इसके कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी एकदम ही डिफरेंट है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस वेब सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों बीच के कुछ एपिसोड्स को बहुत ज़्यादा लेंदी खींचा गया है और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके इस वेब सीरीज में दिखाया गया है जो कि आपको थोड़ा इरिटेट कर सकते हैं। इसीलिए आप बीच के दो चार एपिसोड अगर ना भी देखें तो इस वेब सीरीज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप स्टार्टिंग के 2 एपिसोड देखिए और लास्ट के 2 एपिसोड देखिए, आपको यह कंप्लीट वेब सीरीज एकदम पानी की तरह क्लियर नजर आएगी, या फिर कह सकते हैं आप पूरी की पूरी वेब सीरीज को सिर्फ 4 एपिसोड को देखने के बाद ही समझ जाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल आप समझ ही गए होंगे कि वेब सीरीज कैसी होगी। और इस रिव्यू को देखने के बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस वेब सीरीज को देखूंगा, तो मेरा ओपिनियन है दोस्तों इसके 1st 2 एपिसोड देख लीजिए और इसके लास्ट 2 एपिसोड देख लीजिए, आपको ये कंप्लीट वेब सीरीज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बीच में सिर्फ कुछ एपिसोड को लेंथी खींचा गया है और कुछ नहीं है इसमें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक रिव्यू के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, गुड बाय।